Hello guys, once again very good evening to English with Prabhasar channel. दोस्तों मैं पिछले कई वीडियो से English spoken plus grammar का sentences और conversational हिंदी जो होती है उसके अनुसार मैं sentences आपको फ्रेम करके बता रहा हूँ. उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाकर आपके सामने फिर एक नया वीडियो, एक नया सेंटेंसेस, एक नया स्ट्रक्चर और एक नया कन्वर्सेशनल इंग्लिश हिंदी मैं आपके सामने अभी लाया हूं. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस भी वन. भी वन एकदम स्पेशली मैंने लिखा है, प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट वाक्य को पूरा करने वाले शब्द. अब यहां देखिए, जब हम कुछ बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रश्न का उत्तर अपने आप में शामिल है. कैसे शुरू करें यह एक समस्या है. पहले पूछते हैं कैसे शुरू करें. अगर ये बोल देंगे तो क्वेश्चन है, लेकिन अफर्म कर रहे हैं फिर कि कैसे शुरू करें यह एक समस्या है. हाउ टू स्टार्ट इज ए प्रॉब्लम. मैंने यहां इट लिखा और उसके बाद इसको क्रॉस दिखाया है. गाइस ध्यान से देखेंगे, ये जो हिंदी है कैसे शुरू करें यह एक समस्या है, तो यह जो है यहां पर सुपरफ्लुअस है, यानी इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको इग्नोर करेंगे. तो राइट वर्ड हाउ टू स्टार्ट इज अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कैसे शुरू करें यह एक समस्या है. तो अब है कि ऐसा नहीं कर सकते इट इज अ प्रॉब्लम हाउ टू स्टार्ट. नो, आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होगा. सेकेंड, पटना में कहां रुके यह एक यह विचाराधीन है. वेयर टू स्टे एट पटना इज अंडर कंसिडरेशन. वेयर टू स्टे एट पटना इज अंडर कंसिडरेशन. पटना में कहां रुके यह विचाराधीन, यह तय नहीं, इट इज नॉट डिसाइडेड. तो इट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे. वेयर टू स्टे एट पटना इज नॉट डिसाइडेड या इज नॉट सर्टेन. यहां वाक्य में आप अपने अनुसार कुछ भी आप बोल सकते हैं. नाश्ते में क्या ले कुछ समझ में नहीं आता. ध्यान रखेंगे ये जो सेंटेंस डिलीवर हो रहा है वो स्पीकर इज टेलिंग फॉर हिमसेल्फ या हरसेल्फ. व्हाट टू टेक इन ब्रेकफास्ट इज नॉट डिसाइडेड और इज कंफ्यूजिंग, इज नॉट सर्टेन. तो व्हाट टू टेक इन ब्रेकफास्ट इज नॉट डिसाइडेड, इज कंफ्यूजिंग, इज नॉट सर्टेन. क्यों उससे मिले यह पता नहीं है. Why to meet him और her, क्योंकि यहां जेंडर मेरा नहीं डिनोट किया है इसलिए आप बता सकते हैं. Why to meet him is not known. कैसे आपको समझाऊं यह एक बड़ी समस्या है. आप एक दिए तो भी सही, नहीं है तो भी आपका अंडरस्टूड है कि यहां पर एक आर्टिकल आएगा. How to make you understand is a big problem. तो मैंने देखिए हिंदी में एक नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली ए और एन आर्टिकल एक प्लेस ले लेता है. जैसे मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, बड़ी सिंपल और ये प्राइमरी स्टेज की चीज है जिसको मैंने आपको रिवाइज कर दिया. गाइस सेकंड पार्ट इसी का आज देखें. मैंने लिया है दैट या डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब. मैंने एकदम स्पेशली मेंशन किया, रेफर्ड किया है और देन कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम कहेंगे क्लाउज एज ए सब्जेक्ट. अब प्रश्न क्लाउज होता क्या है. द क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. जैसे सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जो सेंटेंस के चैप्टर में और लेसन लेक्चर में मैंने दे रहा था. तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्लाउज एज ए सब्जेक्ट. तो जब क्लाउज एज ए सब्जेक्ट होगा तो उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और बोलने के तरीके क्या होंगे. तो जितने अभी मैं सेंटेंसेस ले रहा हूं वो सब आपका कन्वर्सेशनल हिंदी हो जाएगा कि आप बातचीत कर रहे हैं और कैसे बोलते हैं. पृथ्वी गोल है यह सबको पता है, या यह सबको पता है कि पृथ्वी गोल है. अब देखिए दैट क्लाउज से होगा, मैंने पहला मेंशन किया दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल. दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल. अब ये जब क्लाउज एज ए सब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ऑब्वियसली ये वॉइस अर्थ इज नोन टू ऑल, ये भीतरी हो जाएगा. इसलिए मैंने यहां कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आप अपने अनुसार उसको अरेंज करेंगे. मेरा पुराना दोस्त कहां रहता है मुझे पता है, या इसका नेगेटिव बोलते हैं वह
मेरा पुराना दोस्त कहाँ रहता है मुझे नहीं पता है, ये डिपेंड्स ऑन द सेंटेंसेस. तो वेयर माई ओल्ड फ्रेंड लिव्स इज नोन टू मी. आप इसका नेगेटिव है कि मुझे नहीं पता, आप ऐसे बोले वेयर माई ओल्ड फ्रेंड लिव्स इज नॉट नोन टू मी. लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा. नेवर यूज डू नॉट और डजंट, माइंड इट. नेक्स्ट, हमारी परीक्षा कब शुरू होगी यह अनिश्चित है या निश्चित नहीं है. व्हेन आवर एग्जाम विल स्टार्ट इज अनसर्टेन या इज नॉट सर्टेन. व्हेन आवर एग्जाम विल स्टार्ट इज नॉट सर्टेन और इज अनसर्टेन. अब यहां पर एक बड़ी ध्यान देने की बात है कि देखिए दैट हो या वेयर है या व्हेन है, इसके बाद आप वर्ब नहीं दे रहे हैं. अगर वर्ब देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा और वो क्लाउज फिर नहीं कहलाएगा. तो इसलिए मैंने ऊपर ये क्लाउज एज अ सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है दैट द अर्थ, ये पूरे सब्जेक्ट है, ये वर्ब इसका ये है. फिर वेयर माई ओल्ड फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, स्लीप्स इज नोन टू मी. और फिर हमारी पास वेन आवर एग्जाम विल स्टार्ट इज अनसर्टेन. नेक्स्ट, वह दिन भर क्या करता है यह एक रहस्य है. व्हाट ही डज होल डे इज अ मिस्ट्री. व्हाट ही डज ऑल डे लॉन्ग इज अ मिस्ट्री. वह कब शादी करेगी यह कोई नहीं जानता या किसी को नहीं पता. व्हेन सी विल मैरी, यहां भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, व्हेन विल सी मैरी कब हो जाएगा, वह कब शादी करेगी, तो फिर क्वेश्चन होगा, फिर यह क्लाउज नहीं होगा. तो व्हेन सी विल मैरी इज नोन टू नोबडी या इज नोन टू नोबडी. ठीक है, नोबडी नोज नहीं दे सकते हैं. तो ये जो आपके सेंटेंसेस देखे, आप इस पर आधार पे आप दो दो तीन तीन सेंटेंस जो वाक्य में यूज होता है आप अपना सेट कर सकते हैं. तो जो मैं अभी लगातार इधर वीडियोस दे रहा हूं, आपको लेक्चर दे रहा हूं गाइस, वो सब आपका ग्रामर तो है ही है और सेंटेंस और टेंस दोनों को ध्यान में रख के ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है. तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लें और जाके वीडियोस को एकदम कंसिक्वेंटली और बिल्कुल माइन्यूटली देखें, तब आपको एक एक चीज का पूरा क्लैरिफिकेशन होगा. अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट रेज द क्वेश्चन गोइंग टू द कमेंट बॉक्स एंड मेक अ क्वेश्चन. आई विल श्योरली जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय.